टुडे एंड टेकिंग इस मॉक। मिस्टर आशीष बिजलवान, यस सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं इधर से हूँ सर। ये उत्तरकाशी से हूँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आ रहे हो? अच्छा, वेरी जी गुड। जी सर। आपको इंटरव्यू किधर होगा, किस तारीख में होगा? सर मेरा इंटरव्यू लखनऊ में है सर, आर्यभट्ट स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, 22 तारीख को है। 22 तारीख? अच्छा ठीक है। जी जी सर। आपने आपका बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर मेरा नाम आशीष बिजलवान है सर। मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैंने बीटेक सीएसई देहरादून से किया है, देवभूमि उत्तराखंड से। सर मैं करेंटली नैनीताल बैंक में काम कर रहा हूँ, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और मैंने कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक में भी काम किया है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के रूप में। गुड। आप इसका साथ में आपके अपना स्ट्रेंथ्स भी बता सकते हैं, जी सर। जी सर मैं चाह बताइए। रहा हूँ कि इंटरव्यू मेरा स्ट्रेंथ सर, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हैं सर, और लीडरशिप क्वालिटी है, हार्ड वर्किंग हूँ। दीज आर माई स्ट्रेंथ। गुड। आपने अभी 9-12 बैंक में काम कर रहे हैं, किस ब्रांच में जी काम करते हैं? जी सर मैं प्रेजेंटली रीजनल ऑफिस में हूँ सर, वहाँ काम कर रहा हूँ रीजनल ऑफिस में। एक्सलेंट एक्सलेंट। आप जी नैनीताल बैंक का ओनर कौन है जी? सर नैनीताल बैंक 1922 में स्टेब्लिश हुआ था सर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। अभी जी प्रेजेंट ओनर्स, हु आर दी ओनर्स ऑफ नैनीताल बैंक? सॉरी सर, ओनर्स के बारे में तो अभी मेरे पे बैंक ऑफ जानकारी नहीं है, बड़ौदा, इसके बैंक ऑफ बारे बड़ौदा में इज द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ नैनीताल। या बैंक ऑफ बड़ौदा इज 98.57% स्टेक बैंक ऑफ बड़ौदा। यस सर। या दैट इज द पॉइंट। डिड यू ट्राई फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब इन नैनीताल बैंक और नॉट? यस सर, ट्राई किया था, उसमें इंटरव्यू दिया था सर, पर इंटरव्यू मेरा हो नहीं पाया सिलेक्शन फाइनल। अच्छा, किस क्वेश्चंस आपने ठीक से आंसर नहीं कर पाया? सर वही पूछे थे उन्होंने कि टाइप्स ऑफ लोन क्या होते हैं, जैसे कार लोन होते हैं तो कार लोन के फीचर बताइए, हाउसिंग लोन में क्या हमारे यहाँ ऐसा अट्रैक्टिव है जो और जगह से ना खरीद के हमारे यहाँ से हाउसिंग लोन लिया जाए, और टू स्टेप बैंकिंग क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे सर। कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप क्या होता है, कस्टमर क्या होता है एक ब्रांच के लिए। जी सर। गुड। अच्छा, अच्छा ही क्वेश्चंस पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन जी पूछा है। जी सर। जी अच्छा जी, अभी बताइए हमको, RRB इसका बारे में आपको क्या मन में आ रहा है? अभी ये बात बोलने से 1 मिनट का अंदर में क्या क्या बात आप हमको बताएंगे? हाँ आरआरबी के बारे में सर, जी, सर रीजनल रूरल बैंक रूरल पीपल को सर्व करने के लिए बनाया गया है सर। ये 2 अक्टूबर 1975 में स्टेब्लिश किया गया था, 1976 के एक्ट के अनुसार सर। ये बी सुब्रमण्यन एंड नरसिम्हा की कमेटी के उसमें बना था सर ये। और इसमें सर जो भी है, मतलब पहला जो रीजनल रूरल बैंक था, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में स्टेब्लिश हुआ था सर। अच्छा जी, आपने कुछ शिवरामन बताया, वो शिवरामन कौन है? एस सिब्रमण्यन सर ये नाबार्ड नाबार्ड के उसमें फॉर्मेशन में हुआ था सर। आपने ये बताना है, शिवरामन कमिटी ने एक रिकमेंडेशन दिया जिसका बारे में नाबार्ड ने शुरू हुआ था, वो शिवरामन है। मेरा कसिन का फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ अभी नहीं है, जब जी। वो जिंदा था। मेरा कसिन भी अभी जिंदा नहीं है। शिवरामन वॉज फादर इन लॉ ऑफ माई कसन। जी या सर। ही इज एन आईएएस ऑफिसर, माई कसन वॉज ऑल्सो आईएएस। ग्रेट। नाउ नैनीताल बैंक, नैनीताल बैंक छोड़ के आप क्यों इधर आ रहे हैं? आप तो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, बढ़िया तलब भी मिलता है, उसको छोड़ के इधर क्यों आना है आप बताओ?
सर बेसिकली नैनीताल बैंक में सर काम तो बढ़िया है, बट सर मैं ग्रोथ चाहता हूँ, और एज अ मैं अभी वहाँ कैशियर क्लर्क कम कस्टमर सर्विस एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ, तो सर मुझे ग्रोथ चाहिए लाइफ में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एज अ ऑफिसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँ सर। वो रीजनल रूरल बैंक में एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बेटर सर्व कर पाऊंगा सर रूरल पीपल को। तो एक ये रीजन है कि मैं रीजनल रूरल बैंक में आना चाह रहा हूँ एज अ ऑफिसर। अच्छा गुड जी जी। अभी क्या काम कर रहे हैं आप रीजनल ऑफिस में, किस किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? ये सब कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर नहीं हुआ? सर रीजनल रूरल वहाँ सर नैनीताल बैंक में तो सर मैं अभी वही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जैसे अकाउंट्स चेक करना होता है डेली बेसिस पे, ऑफिस अकाउंट रिलैक्सेशन आते हैं, तो उनमें जो डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, CKYC से रिलेटेड कॉल करता हूँ सर ब्रांचेस को, CKYC रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कोई भी चीज़ है, कोड अपग्रेडेशन ट्रांसफर वगैरह, जैसे किसी कोड हायर लोअर करना है, तो सर यही जो इंटरनल वर्क होते हैं रीजनल ऑफिस के वही चीज़ देखता हूँ सर। गुड। आप दिन का शेड्यूल बता दीजिए, कितना बजे आप ऑफिस जाते हैं, कितना बजे आप वापस आते हैं? सर मेरा ऑफिस का टाइमिंग सर 10 10 AM से स्टार्ट होता है, 10 AM से 5 PM तक होता है सर ऑफिस का टाइमिंग। अच्छा, आप लोग शॉर्ट 5 पर निकल सकते हैं और एक्स्ट्रा काम बढ़ेगा। हाँ सर वो तो है, कभी कभी जैसे 5 पे तो हमारा टाइमिंग होता है, कभी जैसे एक्स्ट्रा टाइम हो गया तो हमें 5:30 बजे तक भी रुकना पड़ता है, बट ये टाइमिंग हमारा 10 10 AM to 5 PM ही है। वेरी गुड, एक्सलेंट। जी कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन? यस सर, द फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली सर टू कनेक्ट द पीपल, एवरी रूरल पीपल, एवरी बैकवर्ड पीपल टू द बैंकिंग फैसिलिटी। कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जिनको बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उनको भी बैंकिंग के साथ जोड़ना सर, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। So can you tell me what are the names of schemes that government has sponsored for this? सर जनधन योजना विच वॉज लॉन्च बाय द मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन 28 अगस्त 2014। ये सर एक स्कीम है जिससे मतलब जो भी हमारे वो हैं जिनके पर जिनका कोई अकाउंट नहीं बैंक में, तो वो भी इजीली से उसमें विदाउट एनी कोई भी बैलेंस रख के 0 बैलेंस पे खोल सकते हैं। खाली ये नहीं बोलना, और भी बताना है। PMJJBY, PMSBY, सुकन्या समृद्धि योजना, देन अटल पेंशन योजना, ये सब जी भी आपको फिनेंशियल इंक्लूजन का वजह से तो शुरू हुआ। क्योंकि जी अभी एक आदमी का 2 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाना तो कोई जगह दूसरा जगह पर जाने से तो आपको कम से कम 150 रुपया 200 रुपया पड़ेगा, लेकिन इधर में आपको प्रीमियम खाली 20 रुपया है, समझे? जी जी सो सर दैट इज द रीजन। गुड। अभी ऐसा अभी ये लोग स्टेट में भी इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी मेरा तमिलनाडु में तो वुमेन्स को 1,000 रुपया देता है। ऐसा अभी आपका उत्तर प्रदेश में भी पैसा मिलता है लेडीज को? उत्तर प्रदेश में सर इसके किस किस चीज के रिगार्डिंग सर? सी, इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड गिविंग मनी टू विमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन। वन स्टेट इज गिविंग 1,000 रुपीज, कर्नाटका इज गिविंग 1,500, देन आई थिंक तेलंगाना इज ऑलरेडी गिविंग 1,500, देन महाराष्ट्र इज गिविंग 1,500, दे आर प्रोमिसिंग फॉर 2,100, 3,000 एंड ऑल। ये सब अभी स्कीम्स आपको जान नहीं है? ओके ओके, इसके बारे में सर मुझे यहाँ का पता नहीं है सर, यूपी में क्या है इसका सिस्टम, अच्छा, इसका सॉरी, आई नॉलेज एम नहीं। आस्किंग अबाउट उत्तराखंड। उत्तराखंड में यू आर फ्रॉम? उत्तराखंड उत्तराखंड, में उत्तर। सर? हाँ, ओ, मैं उत्तराखंड से हूँ सर, पर मुझे सॉरी सर मैं इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं सर। आई थिंक इट हैज नॉट बीन गिवन येट, ओनली इलेक्शन का बाद में मिलेगा। ओके सर ऐसा भी फ्रीज देना है, अच्छा है और बुरा है? अच्छा अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा, कैन यू टेल अस अबाउट योर फैमिली? सर इन माई फैमिली देयर आर टोटल 5 मेंबर इंक्लूडिंग मी, माई फादर, माई मदर। माई फादर इज फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माई मदर इज होम मेकर, एंड आई हैव 2 यंगर सिबलिंग, वन इज वर्किंग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर इज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देन हैव यू ज्वाइंड एनी अदर इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू? यस सर, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फ्रॉम द ओली गोल्ड
अच्छा गुड, रिमोट एक्सलेंट, इंटरव्यू पे। वेरी यस सर वेरी गुड, वेरी जी गुड, दैट्स नाइस, गुड, दैट्स व्हाई यू हैव कम टू बी इन द लास्ट मिनट, नो प्रॉब्लम. यस सर यस सर। नाउ या विच मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज, कुंभ मेला सर आई थिंक कैन यू टेल मी सम पॉइंट्स अबाउट दैट? सर। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन एवरी 12 ईयर आई थिंक सो, करेक्ट करेक्ट, एंड इट हैज लॉट्स ऑफ क्राउड लाइक पीपल फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड विजिट हियर टू एंजॉय दी लाइक मेला इन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। एंड इट ऑल्सो ऑर्गेनाइज आई थिंक ऑन दी लाइक सिक्स एवरी 6 ईयर हाफ हाफ कुंभ मेला एंड फुल कुंभ मेला। फुल कुंभ मेला ऑनलाइन ऑन एवरी 12 ईयर एंड हाफ कुंभ मेला 6 ईयर। यस अच्छा, ये प्रयागराज तो हमने सोचा आपका स्टेट का अंदर में है, नहीं, इट इज इन उत्तर प्रदेश ना. यस सर इट इज इन उत्तर प्रदेश। आपका देश, आपका स्टेट में होने वाला होली प्लेसेस का बारे में कुछ बताइए. सर हरिद्वार इज अ होली प्लेस। हरिद्वार ऋषिकेश दीज आर द होली प्लेस एंड दीज सिटीज सिचुएटेड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गुड, एंड करेक्ट करेक्ट, आई ऑल्सो हैड यस दीज टू सर। प्लेसेस ओनली, वेरी गुड, आपने स्पीक बता दिया. अच्छा, अभी उत्तराखंड के बारे में कुछ बताइए हमको. सर उत्तराखंड इज आल्सो उत्तराखंड इज आल्सो नोन एज द देवभूमि एंड द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। देयर आर टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड एंड दीज डिवाइडेड इन द टू टू कैटेगरी। वन इज गढ़वाल एंड सेकेंड इज कुमाऊं। एंड सर उत्तराखंड इज आल्सो नोन फॉर इज एडवेंचरस लाइक अ टूरिंग पर्पज। दैट्स ऑल सर। गुड गुड, नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट बेसल नॉर्म्स? सर सॉरी पेशल्स के बारे में तो सर अभी पढ़ाई नहीं करी। पढ़ा नहीं है, आई नो, जी इवन हम भी पूछता नहीं है, बट अभी क्यों पूछा, ये तो कल और परसों में आपको पटना में पूछा था, कई दूसरा साइट से हमने देखा, इसी वजह से हमने ये पूछ रहा हूँ. थोड़ा उसका बारे में पढ़ लीजिए, बेसल जी सर टू जी नॉर्म्स का बारे में, बेसल थ्री नॉर्म्स अभी चल रहा है, जिसका बारे में प्राइवेट सेक्टर बैंक होने से 9% कैपिटल एडिक्वेट, कैपिटल सीए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, गवर्नमेंट बैंक होने से 11% होना चाहिए, बट लेकिन अभी तो ऑल बैंक्स आर हैविंग गुड कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो. इसमें क्या बोलता है, मने सब चीजों का कुछ रिस्क होता है, फॉर एग्जाम्पल लोन्स गिवन ऑन द गारंटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसमें हम लोग का रिस्क जीरो है. जो लोन हम लोग हमारा डिपॉजिट का ऊपर में देते हैं, उसको रिस्क जीरो है, लेकिन दूसरा सब लोन्स में आपको रिस्क पड़ जाता है इतना परसेंटेज, उसको कैलकुलेट करवा के उसको बैर करने के लिए मेरा पास कैपिटल हाई और नहीं है, ये देखने के वाला है बेसल कमिटी नॉर्म्स. समझ गया? जी सर जी। और किस प्रकार के गुड. लोन होते हैं सर जो आप बता रहे हो कि और लोन मतलब जैसे डिपॉजिट में हो गया और एक नो नो, गवर्नमेंट सब सिक्योरिटी में सब जैसे जगह पर आपको लोन्स, आपको रिस्क होता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल लोन्स में रिस्क है, देन एजुकेशन लोन में रिस्क है, देन जिसमें आपको कोलेटरल नहीं होता है। कोलैटरल वोड़े से भी आपको रिस्क होता है. नॉट ओनली दैट, उन्होंने बोलता है स्टैंडर्ड असेट्स को भी आपने रिस्क कवर करना है. स्टैंडर्ड असेट का मतलब है जो लोन हम लोग का ठीक से वापस आ रहे हैं, जिस लोन करेक्टली रिपेमेंट होता है, जिसमें भी हम लोग का रिस्क है, ऐसा बोलता है, उसका बारे में हम लोग कैलकुलेट करके रिस्क रखना है. मान लीजिए हमारा पास स्टैंडर्ड असेट 100 करोड़ है, लेकिन वो बोलता है से अप टू 0.5% आपने प्रोवाइड करना, सो लाइकवाइज उस द रिस्क अगेंस्ट दैट 100 करोड़ इज दिस मच, वेदर वी हैव कैपिटल टू कॉम्पेंसेट दैट. कैपिटल में आपको Tier 1 कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल, देन Tier 2 कैपिटल होता है, सम अदर बोरोड फंड्स एंड ऑल फॉर लॉन्ग टर्म एंड ऑल. सो ये सब मिला के आपको डू वी हैव सफिशियंट फंड्स टू विदस्टैंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स,
दैट इज डिसाइडेड इन बेसल कमिटी नॉर्म्स। ओके, यस सर। सो व्हाट इज योर डिग्री प्लीज? सर आई हैव डन बीटेक सीएससी फ्रॉम देहरादून। व्हाई हैव यू नॉट स्टडीड फॉर JAIIB? तो सर जे आई आई बी के लिए मैंने आई डिडंट स्टडी फॉर जे आई बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी सेटल्ड इन दी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली इन द ऑफिसर फील्ड। दैट्स व्हाई सो माय ओ फोकस इज अच्छा, टोटली इन दी ऑफिसर जॉब। दैट्स व्हाई आई समय नहीं डिडंट मिलता, अप्लाई। समय या नहीं सर मिलता ड्यू है। टू द शॉर्टेज अच्छा, ऑफ टाइम आई आपको डिडंट भी, अप्लाई। आपको भी इंक्रीमेंट मिलेगा ना, एक इंक्रीमेंट मिलता है ना? जे, या सर मिलेगा। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आपने वो सब पढ़ने से तो ये सब क्वेश्चंस आपको आसान हो जाते हैं। जी जी सर। कोई बात नहीं, आपने बोला कुछ कोऑपरेटिव बैंक में काम किया है। कोऑपरेटिव बैंक का डिफरेंस क्या, कुछ बता सकते हैं? हम लोग का कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का कुछ फर्क है? सर कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली वो कस्टमर जो होते हैं उन्हीं के द्वारा फॉर्म किया जाता है। किस्म से सोसाइटी होती है सर जो पर्टिकुलर कोर्स के लिए किसी बैंक को फॉर्म करते हैं तो अपने आप जैसे इनकी जो नीड्स होती है उसी बैंक से वो पूरी करते हैं। और ये सर ये डिफरेंट होते हैं ये मतलब रजिस्ट्रार एक्ट के उसमें वो होते हैं बनते हैं। नो नो, जी एक्चुअली ओनरशिप इज विद द मेंबर्स ऑफ द बैंक हाँ और इंटरेक्टिंग विद मेंबरशिप यू, दैट इज द मेन डिफरेंस। एंड मोस्टली दे आर टेकिंग केयर ऑफ द लोकल एरियाज, एग्रीकल्चरिस्ट रिक्वायरमेंट्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट। आपने यस सुना है MSME, उसका मतलब क्या है? सर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। उसका डेफिनेशन का बारे में जानते हैं? सर ये बेसिकली मतलब छोटे जो मार्जिनल स्मॉल ये है ना ये इंडस्ट्री होती है उनको कैटर करते हैं सर। इसमें सर सिडबी के द्वारा भी लॉन्च किया गया एक इसमें ना इसमें माइक्रो स्मॉल माइक्रो में 50,000 से 1 लाख के आसपास वहां से फिर स्मॉल से 1 लाख से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख अब वो 20 लाख बढ़ा दिया तरुण प्लस करके। तो ये इस प्रकार से स्कीम है माइक्रो स्मॉल के लिए दैट इज मीडियम मुद्रा एंटरप्राइज। स्कीम, दैट इज मुद्रा स्कीम। कोई बात नहीं, नाउ ओके योर डेफिनेशन इज रॉन्ग। आपने ये बताना है माइक्रो का मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। देन स्मॉल का मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। देन मीडियम का डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 50 करोड़ एंड टर्न ओवर लेस देन 250 करोड़। ओके समझ गया? ओके हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है वेरी नाइस। देन डू यू वांट मी टू आस्क सम मोर क्वेश्चंस? सर। अच्छा, अभी इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी आपको बैंक का बैलेंस शीट आपने देखा? जी देखा बैंक बैलेंस शीट में क्या का क्या बैलेंस शीट देखा? वही होता है सर असेट एंड लाइबिलिटीज होता है कि किसी बैंक के कितने असेट हैं किसी बैंक को उसको मैचअप करते हैं दोनों को असेट और लाइबिलिटी साइड को। मेकअप बोलना नहीं, मेकअप बोलने से बुरा बात है। मेकअप नहीं है तो दोनों टैली होगा, ये बोथ शुड बी इक्वल। एक बैलेंस शीट में, हमारा बैंक बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में क्या क्या आएगा? लाइबिलिटी साइड में सर हमारे वही आता है जैसे डिपॉजिट कस्टमर के डिपॉजिट हो गए ये लाइबिलिटी में आ गए। एसेट्स हमारे लोन वगैरह हो गए सर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स दिस आर द एसेट। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा उधर में, इन्वेस्टमेंट आपको असेट्स में आएगा। हाँ एसेट्स में बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा लाइबिलिटी में आपका डिपॉजिट हो गया। असेट्स में आपको फिक्सड असेट्स होता है, करंट असेट्स होता है। ये करंट असेट में हमारा इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स वगैरह आता है। और लायबिलिटी साइड में आपका और एक बात भी आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड ऑल्सो से द व्हाट इज दैट, कैपिटल एंड रिजर्व्स। जी सर समझ जी गया? ये गुड। कैपिटल एंड रिजर्व क्या होता है सर। कैपिटल का मतलब जो ओनर्स, उन्हें अपना पैसा जमा दिया फॉर द बैंक कैपिटल के लिए, शेयर कैपिटल, दैट इज नोन एज इक्विटी। देन रिजर्व्स का मतलब बैंक्स ने
एवरी ईयर दे कीप ए पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट एज रिजर्व फॉर मीटिंग सम कंटिंजेंसी पर्पसेस, सो फिक्स रिजर्व फॉर सम एक्सपेंशन, रिजर्व फॉर सम पर्पस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए रिजर्व रखता है। वो जी सर, फुल डिटेल्स तो बाहर नहीं बताएगा लेकिन अमाउंट बता देगा, सो दैट इज नोन एज रिजर्व्स। ओके, दैट ऑल्सो जी सर, कम्स अंडर लाइबिलिटीज। इट इज गिवन लाइक दैट बिकॉज बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट एंड ओनर्स आर सेपरेट। आप ये तो पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीकॉम कैंडिडेट्स, व्हाई कैपिटल इज शोन एज अ लाइबिलिटी। इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी बिकॉज बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ओनर्स आर सेपरेट एंटिटी। दिस जी बिजनेस ओज मनी टू द ओनर्स, दैट इज वाई इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी। बेस्ट विशेस, यू आर आंसरिंग वेरी जी वेल एंड आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी इफ यू हैड कम लिटिल अर्लियर, वी कुड हैव स्टडीड मोर ऑल्सो। आई विश सर, यू बेस्ट ऑफ लक, प्लीज अटेंड द प्लीज गिव मी, इंटरव्यू। या प्लीज गिव मी सर टेल मी, फीडबैक ऑन बिहाफ ऑफ माय इंटरव्यू विद यू. कैन यू प्लीज गिव मी द व्हाट थिंग आई हैव टू इंप्रूव? कैन यू प्लीज टेल सी मी? योर नॉलेज अबाउट ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवांसेस रिलेटेड टू बैंकिंग इज नॉट गुड, यू हैव टू इम्प्रूव। आई हैव नॉट आस्क्ड यू अबाउट डिपॉजिट्स, उसमें पूछा नहीं है, उसके बारे में भी आप पूरा पढ़ लीजिए। एंड जनरल एस्पेक्ट्स लाइक से दिस बेसल नॉर्म्स, रिजर्व बैंक, देन इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह, ये सब थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए। नबार्ड का बारे में पूरा पढ़ लीजिए, नबार्ड का RIDF एंड दूसरा स्कीम सब पढ़ लीजिए। अदरवाइज यू आर वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, यू कैन बी गिवन दिस जॉब, नो प्रॉब्लम। बट ओनली थिंग इज थोड़ा आपको आवाज में थोड़ा रूडनेस पता होता है। आई एम नॉट सीइंग यू, ओके, आई एम नॉट सीइंग यू, इफ आई सी यू मे बी आई विल नॉट फॉर्म दैट ओपिनियन। यू मस्ट ऑलवेज स्माइल एंड टेल दम हैप्पीली। आपने जैसे बोलते हैं, जैसे बैंक क्लर्क बात करते हैं ना रूड से, ऐसा मत ही होता है, ऐसा नहीं होना अच्छा. है। यू शुड टॉक इन अ वेरी स्वीट वे। ओके डू यू फॉलो ओके वॉट सर, आई से? आई विल ट्राई टेक केयर टू ऑफ सर या योर फीडबैक. ट्राई टू ब्रिंग बिफोर योर माइंड अनदर क्लर्क इन योर ऑफिस, मे बी अ मेल और अ फीमेल, हु टॉक्स स्वीटली टू कस्टमर्स। जी सर, हाँ, ऐसा बात कर लीजिए, ठीक है? ओके सर, नो नो, आई एम नॉट सीइंग यू, आई डोंट नो वाई आई फॉर्म दिस ओपिनियन। लेट मी सी यू नाउ, 1 मिनट आई विल सी।